बेबी डॉज कॉइन जो तीसरा सबसे बड़ा मीम टोकन है और हाल ही में नए नए अपडेट्स, नई डेवलपमेंट्स और नई कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स लाकर मार्केट में अपनी एक स्टेबल ग्रोथ बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। कई बड़े फंडामेंटल कॉइन्स भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं अपने यूज केस को डेवलप करने के लिए जितना कि बेबी डॉज कर रहा है एक मीम टोकन होने के बावजूद। बेबी डॉज कार्ड थर्ड पार्टी के लिए वेट कर रहा है, बेबी डॉज स्वैप लॉन्च हो चुका है, NFTs लॉन्च हो चुकी है, कई बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स हो चुकी है, ज़ैप्स लॉन्च हो चुका है और काफी सारे नए अपडेट्स हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बेबी डॉज स्वैप की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद अब बेबी डॉज कॉइन ने लॉन्च कर दिया है ज़ैप्स यानी कि वन क्लिक फार्मिंग जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन सकता है जिसका अफेक्ट बेबी डॉज के प्राइस पर साफ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं क्या वो चीजें हैं, क्या वो अपडेट्स हैं जिनके कारण बेबी डॉज आने वाले समय में एक रुपए के मार्क को टच कर लेगा, कितना समय लगेगा इसे एक रुपए को टच करने के लिए और क्या ये कॉइन आने वाले समय में एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है ग्रो करने के लिए और क्या हो सकता है इसका फ्यूचर। तो वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन इकलौता ऐसा कॉइन है जो ज़ैप से लेकर स्वैप तक, NFTs से लेकर मेटावर्स तक हर जगह अपनी जड़ें बनाकर बैठा है। क्योंकि ये कॉइन किसी भी मीम टोकन के साथ एफिलिएटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली अपने सभी डिसीजन पर, अपने सभी अपडेट्स पर वर्क कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि बेबी डॉज स्वैप एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है क्योंकि हाल ही में 25 मिलियन की टोटल वैल्यू को ये प्रोजेक्ट लॉक कर चुका है। D-Rays के साथ पार्टनरशिप के बाद इसकी मेटावर्स में एंट्री हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। इन सब के अलावा एक सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें कि ज़ैप्स यानी कि वन क्लिक फार्मिंग बेबी डॉज लॉन्च कर चुका है। ज़ैप्स अगर आप नहीं जानते तो इसमें BSC टोकन्स को आप LP टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टेक करने के लिए आप इसको फार्म्स में स्टेक कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बैंक में अगर हम लॉकर बनाना चाहते हैं तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से हमें चार्ज करना पड़ता है, यानी कि उस लॉकर में पैसे रखने के लिए आपको 1 साल 2 साल या जितना भी टाइम पीरियड के लिए आप उस लॉकर को रखना चाहते हैं आपको उस हिसाब से चार्ज करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर आपको उस लॉकर के लिए चार्ज ही ना करना पड़े। अगर बैंक आपसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेता है तो क्या होगा? ऐसा ही एक अपडेट लाया है बेबी डॉज स्वैप जिसमें सभी बेबी डॉज होल्डर्स फ्री टोकन लॉकर्स ले सकते हैं जिसमें कि वो अपने LP टोकन्स को 0 एडेड फीस के साथ लॉक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने बेबी डॉज कॉइन्स को लॉक करना चाहते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का फीस, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यूनिक्रिप्ट नेटवर्क के साथ इसकी पार्टनरशिप हो गई है और हाल ही में प्रोबिट एक्सचेंज पर ये कॉइन लॉन्च हो चुका है। कॉइन मार्केट कैप में अगर इसकी सिचुएशन की हम बात करें तो अभी के समय में ये कॉइन अपने आगे 8-0 लगाता हुआ 1 की सीरीज पर चल रहा है। वहीं पर रैंकिंग के मामले में ये 226 रैंक पर चल रहा है और वॉचलिस्ट की बात की जाए तो अब तक 3.5 लाख से ज्यादा की वॉचलिस्ट को ये कॉइन मार्केट कैप में पार कर चुका है। सभी मीम टोकन्स का सबसे बड़ा वेपन है उनकी कम्युनिटी। बेबी डॉज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 1.6 मिलियन की कम्युनिटी जुड़ चुकी है और अपनी कम्युनिटी को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कब तक ये कॉइन 1 रुपए के मार्क को टच कर सकता है। देखिए, सीधी सी बात है कि ये कॉइन केवल 1 साल पहले लॉन्च हुआ है और लॉन्च होने के केवल 1 हफ्ते के अंदर ही इसने 2000% से भी ज्यादा की ग्रोथ मार्केट में दिखाई है। इसके अलावा पूरा 1 साल लगा है इसे अपने 1-0 को किल करने के लिए। बेशक अगर बुलिश मार्केट होता तो इसे ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अगर हम इसी स्पीड को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन लगाए तो 8 से 10 साल तक ये 1 रुपए के मार्क को टच कर लेगा। पर यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि हर जीरो को किल करने पर इसे दुगनी मेहनत करनी होगी। यानी कि हर क्रिप्टो कॉइन जैसे जैसे अपने जीरोस को किल करता चला जाता है उसे अगले जीरो को किल करने के लिए पिछले जीरो से 10 गुना ज्यादा की मेहनत करनी होती है और इन्हीं 6-7 रुपयों में 54 मिलियन बेबी डॉज कॉइन्स आ रहे हैं। तो देखा जाए तो 1 रुपए का टारगेट बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अगर ये कॉइन अपनी बर्निंग स्पीड, अपनी बर्निंग रेट को बढ़ाता है, नए नए अपडेट्स लाता है, मार्केट पम्प होता है, बुलिश मार्केट आता है, हो सकता है 1 रुपए के टारगेट को ये समय से पहले ही अचीव कर ले। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि अगर आपने इस कॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है तो बेशक आपको इस कॉइन को होल्ड करके रखना है इस बुलिश मार्केट में भी और आने वाले समय में भी, ताकि आपको इस कॉइन से एक अच्छा खासा फायदा हो सके। तो होप करती हूँ आपको आज के हमारे इस वीडियो ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।